उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज में अधिवक्ता मोहिनी तोमर हत्याकांड पर मचे हंगामे के बीच अब जिला बरेली में एक वकील का शव मिलने से वकीलों में सनसनी फैल गई है। अधिवक्ता यशवंत चौधरी सोमवार से लापता चल रहे थे, लेकिन हैरत की बात यह है कि घर में ही उनका शव दुपट्टे से लटका मिला है। कोई आत्महत्या तो कोई इसे हत्या मान रहा है। यशवंत की मौत ने वकीलों को झकझोर दिया है। घटनाक्रम फरीदपुर के थाना क्षेत्र के मोहल्ला महादेव का है। करीब 38 साल के अधिवक्ता यशवंत चौधरी प्रैक्टिस करते थे, जो घर से सोमवार से गायब चल रहे थे। उनकी गुमशुदी दर्ज कराने के लिए उनकी पत्नी शिवानी चौधरी कोतवाली पहुंची। इसी बीच पड़ोसी ने उन्हें फोन कर सूचना दी कि छत से बदबू आ रही है। वो तहरीर देकर घर लौटी और छत पर जाकर देखा तो उनके पति का शव दुपट्टे के सहारे लटका हुआ मिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच कर साक्ष्य जुटाए हैं। मृतक यशवंत राव चौधरी के दो बेटे हैं। 5 साल पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फरीदपुर तहसील में ही प्रैक्टिस शुरू की थी। यशवंत चौधरी के भाई के मुताबिक वो 3 भाई थे। साल 2011 में सबसे छोटे भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई थी और अब यशवंत की 13 साल पहले शिवानी के साथ उनकी शादी हुई थी। उधर यशवंत के शव की स्थिति देखकर इस आत्महत्या पर सवाल भी उठ रहे हैं। शव की स्थिति और फांसी लगाने की पोजीशन देखकर लोगों के बीच चर्चा ये भी है कि इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि कोई चारपाई पर बैठकर फंदा कैसे लगा सकता है। तहसील बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव अमित कुमार सिंह तोमर ने अधिवक्ता यशवंत राव चौधरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वो बहुत मिलनसार थे। वो आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की घटना प्रतीत होती है और इसकी जांच होनी चाहिए।